तो चलिए बात करते हैं 26 फीचर की और आपको आना है नीचे। हम पर मेंशन स्मूथनेस आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके ये आपका स्टैंडर्ड होता है और हाई होता है तो आप स्टैंडर्ड कर लेना। दोस्तों आप स्टैंडर्ड कर लेंगे ना तो बैटरी आपकी कम कंज्यूम होगी। आप 120 हर्ट्ज करेंगे ना दोस्तों, इसको आप इसको यहाँ से हाई करेंगे ना तो बैटरी आपकी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, इसलिए आपको स्टैंडर्ड ही कर लेना दोस्तों। मैं वीडियो अच्छा दिखना चाहिए इसलिए मैं तब तक के लिए इसको 120 हर्ट्ज ही कर लेता हूँ। तो चलिए बात करते हैं 27 फीचर की, उसके ठीक दिख रहा होगा ब्लू लाइट फिल्टर है, इस पर क्लिक करके आप ब्लू लाइट कर सकते हैं अपने डिस्प्ले को, यहाँ पर आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये भी इसी के रिगार्डिंग आता है, मतलब आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप डार्क मोड ऑन कर लिया तो इसको छोड़ देना, उतना ये कुछ बात तो नहीं होने वाली, मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला है। 28 फीचर की बात करने के लिए, उसके ठीक नीचे दिख रहा है स्क्रीन मोड है, मतलब आप स्क्रीन के कलर को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अभी डार्क मोड कर लिया उसलिए नहीं दिख रहा है, क्योंकि डार्क मोड आपको यूज करना ही है दोस्तों किसी भी हाल में। तो चलिए 29 फीचर की बात करने के लिए, उसके ठीक नीचे दिख रहा है यहाँ पर फॉन्ट साइज एंड स्टाइल है, यहाँ पर अपने फॉन्ट के साइज को आप बड़े छोटे कर सकते हैं। अगर आपके आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है तो यहाँ पर आप अपने फॉन्ट को बड़े कर लेना, आपको अच्छे से दिखाई देंगे दोस्तों। कुछ इस तरह से आप रख सकते हैं सेलेक्ट करके, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। बात करते हैं 30 फीचर की, उसके ठीक नीचे दिख रहा होगा स्क्रीन जूम है, ये भी इसी के रिगार्डिंग आता है। ये स्क्रीन जूम आपको कम दिखता है, आपके आंख कमजोर हैं तो आप स्क्रीन को ही बड़ा कर सकते हैं। पिछले वाली ट्रिक बस वो फॉन्ट बड़े होते थे, लेकिन ये स्क्रीन ही बड़ा हो जाएगा। तो चलिए मुझे तो अच्छा दिखता है तो मैं इसलिए यहाँ पर इसको नॉर्मली कर लेता हूँ। यहाँ पर बात करते हैं आगे बढ़ते हुए 31 फीचर की, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और आपको नीचे आने के बाद में दोस्तों बात करते हैं 31 फीचर की। आपको आना है सेटिंग में और डिस्प्ले सेटिंग में आना है, डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद और आपको आना है नीचे, नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एड स्क्रीन, यहाँ पर एड स्क्रीन है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन आते हैं यहाँ पर कोई भी, ये अगर आपका ऑफ है तो एड पैनल, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है एड्स पैनल को। आपको कोई भी एप्लीकेशन, मतलब आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, दूसरा एप्लीकेशन आपको ओपन करना है तो एड्स कर लेना है, यहाँ से एप्लीकेशन निकल कर आएंगे और आप इसको इस पेंसिल पर क्लिक करके आप दूसरे एप्लीकेशन, आप जो आपको एप्लीकेशन लगते हैं रोज़ाना यूज़ होते हैं ज़्यादा, वो सेलेक्ट करके रख लेना और ख़त्म दोस्तों। सेलेक्ट करके रखने के बाद तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं वो एप्लीकेशन आ चुके हैं। अभी कोई भी एप्लीकेशन आपको ओपन करना है, स्लाइड कर लेना, यहाँ से आप एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं दोस्तों उस एप्लीकेशन को। बात करते हैं 32 फीचर की, अब बता देता हूँ आपको स्क्रीनशॉट कैसे लें। आपको इस तरह से करना दोस्तों, मतलब आपकी स्क्रीन को साफ करना है दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तरह से साफ करना है, स्क्रीनशॉट लग जाएगा दोस्तों, आपको दिख रहा है ना, इस तरह से साफ करने के बाद स्क्रीनशॉट लग जाएगा। उसके अलावा आपको वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर एक साथ इस तरह से प्रेस कर देना है, यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लग जाएगा दोस्तों। 32 फीचर की बात करने के लिए, मान लो कि आपको दो एप्लीकेशन यूज करना है एक ही वक्त में, एक ही फोन में, एक ही स्क्रीन में, तो एक एप्लीकेशन ओपन करके आपको मेनू बटन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है, यहाँ पर ओपन इन स्प्लिट व्यू आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पर नीचे एक स्क्रीन निकल कर आएगा। आप देख सकते हैं हम दूसरा एप्लीकेशन यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, तो कोई भी एप्लीकेशन दो दो यूज करना है तो कर लेना, यहाँ से आपको तो दिख रहा है, मैं करके आपको बता दिया दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर नीचे भी है, ऊपर भी चालू है, ऊपर इस तरह से आप कर सकते हैं और आप इसको नीचे ऊपर भी कर सकते हैं, इस तरह से नीचे ऊपर, और आप इसको इस तरह से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये भी है ना दोस्तों कमाल की ट्रिक, तो चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिए। 34 फीचर की बात करने के लिए, ये भी इसी के रिगार्डिंग आता है दोस्तों। आपको दो दो एप्लीकेशन यूज़ करना है तो आपको ना दोस्तों इसको लॉन्ग प्रेस कर देना है। अभी हम मैसेंजर को लेते हैं, यहाँ पर मैसेंजर पर लॉन्ग प्रेस करके आपको ओपन इन पॉपअप व्यू पर क्लिक कर लेना है, वो पॉपअप में ओपन हो जाएगा दोस्तों मैसेंजर कुछ इस तरह से, और दूसरा काम आपको भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो है ना दोस्तों ये भी कमाल की ट्रिक, तो स्क्रीनशॉट की ये फोटोज हैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ। तो चलिए यहाँ पर इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, और इस पॉपअप व्यू को, मतलब पॉपअप व्यू डिस्प्ले को, और आप कोई भी कोने में इसको लगा सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आप दो दो एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं 35 फीचर की, आपको ना दोस्तों मेनू बटन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है एप्लीकेशन पर। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों कीप ओपन फॉर क्विक लॉन्चिंग, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्लोज ऑल हमने कर लिया तो लॉक हो जाएगा, वो एप्लीकेशन नहीं जाएगा दोस्तों क्लोज ऑल करने के बाद। आपको इसको निकालना है, अनलॉक करना है, तो आपको इस ताले पर क्लिक कर देना है, अनलॉक हो जाएगा जब क्लोज ऑल करने के बाद चला जाएगा दोस्तों क्लोज ऑल करने के बाद में। तो चलिए 36 फीचर की बात करने के लिए, आपको आना है सेटिंग में, सेटिंग में आने के बाद डिस्प्ले सेटिंग में आना है यहाँ पर, और आपको आना है नीचे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नेविगेशन बार, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन को आप हाइड भी कर सकते हैं, स्वाइप जेस्टर्स पर क्लिक कर लेना, आपको यहाँ से बैक आ सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से बैक आ सकते हैं, और आपको होम बटन पर क्लिक करना है तो नीचे से बस इतना कर देना, होम बटन क्लिक हो जाएगा, और आपको रिसेंट टैक्स रिमूव करना है तो होल्ड करके बस आपको इतना करना है बस होल्ड करके यहाँ से आप रिसेंट टैक्स रिमूव कर सकते हैं। 37 फीचर की बात करने के लिए, आपको आना है सेटिंग में,
और आपको डिस्प्ले सेटिंग में आना है और आपको आना है नीचे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन सेवर है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप कलर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप चार्जिंग लगाया अपने फ़ोन को तो इस तरह से आपका डिस्प्ले ऑन ही रहेगा। अगर मैं कहूँ तो ट्रिक तो है, फीचर तो है, लेकिन ये आप इसको नॉन ही रखना है दोस्तों, क्योंकि चार्जिंग स्लो हो जाएगा। दोस्तों 38 फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग में और डिस्प्ले सेटिंग में आना है, एकदम नीचे आना है, विजिबिलिटी पर आपको क्लिक करना है। इस विजिबिलिटी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हाई कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट साइज, आप अपने फॉन्ट को इस तरह से हाई कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से कर लेना दोस्तों। हाई करना चाहते तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बात करते हैं 39 फीचर की, उसके ठीक नीचे दिख रहा है हाई कॉन्ट्रास्ट कीबोर्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने कीबोर्ड को इस तरह से आप कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा थीम लेने की जरूरत नहीं दोस्तों, इसी में आपको मिल जाएगा एक इस तरह से आपको कीबोर्ड मिल जाएंगे। 40 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे आपको आना है, यहाँ पर दिख रहा है रिमूव एनिमेशन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, एनिमेशन गायब हो जाएगा दोस्तों, आपका स्मार्टफोन और स्पीड हो जाएगा। इसको ऑफ करके बताता हूँ अभी, बैक आने के बाद और ओपन करने के बाद कितनी स्लो से ओपन हो रहा है ना आप देख सकते हैं। अभी इसको ऑन कर लेता हूँ, ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं कितना स्पीड सा हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं 41 फीचर की, और आपको आना है बैक, और आना है बैग, बैग नहीं दोस्तों डिस्प्ले सेटिंग में आना है। बस आपको यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद एकदम लास्ट में आना है, यहाँ पर दिख रहा होगा एकदम लास्ट में अलवाइज ऑन डिस्प्ले, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर अलवाइज ऑन डिस्प्ले पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। आप टैप टू शो ना, आपको शो अलवाइज कर लेना है। आप देख सकते हैं अलवाइज ऑन डिस्प्ले आपका ऑन हो जाएगा, कुछ इस तरह से आता है। अभी बात करते हैं 41 फीचर की बात करने के लिए, उसके ठीक नीचे दिख रहा है क्लॉक स्टाइल्स, आप यहां से क्लॉक स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जो आपको स्टाइल अच्छा लगता है क्लॉक स्टाइल वो रख लेना। तो चलिए यहां पर मैं फॉर एग्जांपल ये रख लिया हूं, डन पर क्लिक कर देता हूं। आप देख सकते हैं अलवाइज ऑन डिस्प्ले पर कुछ इस तरह से मतलब सेव नहीं हुआ है शायद, तो चलिए यहां पर क्लॉक स्टाइल में वापस हम जाते हैं। तो चलिए ये सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो चलिए यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, डन पर क्लिक कर देते हैं। अलवाइज ऑन डिस्प्ले पर कुछ इस तरह से वो क्लॉक स्टाइल रह जाएगी दोस्तों। और चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इसी स्मार्टफोन को लेकर और फीचर्स की, और फीचर की बात करने के लिए बात करते हैं 43 फीचर की, आपको आना है नीचे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लॉक स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। लॉक स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद आपको आना है नीचे यहाँ पर, और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर अपने क्लोज फ्रेंड या अपने भाई का नंबर देकर रखना दोस्तों, डन पर क्लिक कर देना। अगर आपका स्मार्टफोन गुम गया तो वो नंबर यहाँ पर ऊपर बता देगा दोस्तों, जिसको आपका स्मार्टफोन मिला है उसको तो लॉक पता नहीं होता है, तो वो क्या करेगा यहाँ पर जो नंबर दिखेगा ना वो नंबर देखकर कॉल कर लेगा आपको, क्योंकि स्मार्टफोन भी महंगा है। तो यहाँ से आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, अपने क्लोज फ्रेंड या भाई का नंबर देकर रखना। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 44 फीचर की, आपको आना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद और आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है, और यहाँ पर आने के बाद और आपको आना है नीचे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नोटिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ये क्या है आपको बता देता हूँ, यहाँ पर व्यू स्टाइल है ना, यहाँ पर ये क्या है आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर है ना, यहाँ पर आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं तो यहाँ पर बता रहा है दोस्तों, सेटिंग बता रहा है, लॉक बता रहा है, और उसके अलावा गैलरी बता रहा है, कुछ इस तरह से बता देता है। तो आप है ना व्यू स्टाइल पर क्लिक करके डिटेल्स कर लेना है। डिटेल्स करने के बाद आप देख सकते हैं कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन है, यहाँ पर डिटेल्स में सब कुछ बता देगा। फॉर एग्जाम्पल आपको व्हाट्सअप से मैसेज आता है तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर ही पूरा मैसेज बता देगा। आप इसको आइकॉन ओनली करेंगे ना तो आपको बस व्हाट्सएप से मैसेज आया बोलकर इस तरह से आइकॉन बता देगा, जैसा आपको अच्छा लगता है, जो आपको रखना चाहते हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं 45 फीचर की, उसके ठीक दिख रहा होगा यहाँ पर शॉर्टकट्स है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये क्या बताया तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर फोन है, एक है यहाँ पर कैमरा, तो यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट कर लेंगे हम, यहाँ पर टॉर्च कर लेंगे, और राइट में कर लेंगे हम यहाँ पर फेसबुक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर कुछ इस तरह से वो एप्लीकेशन आएंगे। आपको टॉर्च ओपन करना है तो इस तरह से आप टॉर्च ओपन कर सकते हैं दोस्तों, आप बस इतना करना है, टॉर्च ओपन हो जाएगी, कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जो आपको एप्लीकेशन रखना है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं दोस्तों। 46 फीचर की बात करते हैं, आपको आना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा, और नीचे आने के बाद डिवाइस केयर, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। डिवाइस केयर के ऊपर क्लिक करके आपको ऑप्टिमाइज नाउ कर लेना है, ऑप्टिमाइजिंग हो रहा है स्मार्टफोन, यहाँ पर लैग वगैरह होता है तो यहाँ पर आपको ऑप्टिमाइज कर लेना है। ऑप्टिमाइज करने के बाद आपका स्मार्टफोन और स्पीड हो जाएगा, लैग होना बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं 47 फीचर की, आपको फोन पर क्लिक कर देना है। फोन पर क्लिक करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा
रिकॉर्डिंग कॉल्स, अगर आप रिकॉर्डिंग कॉल्स रखना चाहते हैं ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पर इसको ऑन कर लेना दोस्तों, कंफर्म कर देना। कंफर्म करने के बाद खत्म दोस्तों, अगर आपको कॉल आता है तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा। आप अनसेव नंबर रखना चाहते हैं तो अनसेव रख सकते हैं, मतलब जो नंबर सेवन है उस नंबर से कॉल आएगा तो रिकॉर्डिंग हो जाएगा, इतना ही इस तरह से कर सकते हैं। और सिलेक्टेड नंबर, जो आप नंबर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर लेना, कॉन्टैक्ट जो सिलेक्ट करेंगे उसी नंबर से आपको कॉल आएगा तो कॉल रिकॉर्डिंग हो जाएगा। आप ऑल नंबर रखना चाहते हैं तो ऑल नंबर रख सकते हैं, कोई भी नंबर से आपको कॉल आए तो खत्म दोस्तों रिकॉर्डिंग हो जाएगा, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए बैक आने के बाद बात करते हैं 47 फीचर की, उसके ठीक दिख रहा होगा आपको कॉल अलर्ट एंड रिंगिंग, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, मतलब रिंगटोन, इस पर क्लिक करने के बाद वाइब्रेट व्हेन आंसर्ड एंडेड दोनों पर क्लिक करके ऑन कर लेना है। ये क्या है आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आप किसी को कॉल करें, वो कॉल रिसीव कर लिया तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाएगा, और आप किसी के साथ कॉल पर बात कर रहे हैं वो कॉल कट होगा तो भी आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाएगा दोस्तों। और चलिए दोस्तों और आते हैं बैक अगर और फीचर्स की बात करते हैं 49 फीचर की बात करने के लिए, उसके ठीक से दिख रहा होगा आपको आंसरिंग एंड एंडिंग, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों आंसर ऑटोमेटिकली, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप 5 सेकंड 10 सेकंड रख लेना। अब मान लो कि आपका स्मार्टफोन जेब में है और ब्लूटूथ कनेक्ट है और ब्लूटूथ कानों में लगा है, तो आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं 50 फीचर की, आना है आपको बैग आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ये क्या है आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आपको कॉल आता है तो फोन रिसीव करना, तो आपको वॉल्यूम प्लस बटन पर क्लिक कर देना है, कॉल रिसीव हो जाएगा। 51 फीचर की बात करने के लिए, उसके ठीक दिख रहा होगा आपको यहाँ पर प्रेस साइड की टू एंड कॉल्स, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ये क्या है आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो आपको कॉल काटना है, तो आपको पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना है तो कॉल कट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए और आते हैं बैक की नोटिफिकेशन पैनल में, आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं दोस्तों। मीडिया साउंड एंड माइक कर सकते हैं और नो साउंड कर सकते हैं, नहीं तो आप मीडिया साउंड भी कर सकते हैं। स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर लेना, स्टार्ट रिकॉर्डिंग करने के बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू होगा दोस्तों। आप इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं इसी स्मार्टफोन में, आपको एक्स्ट्रा एप्लीकेशन लेने की जरूरत नहीं दोस्तों। वैसे ये रहा दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S20 FE का पार्ट टू वीडियो, इस पार्ट टू में मैं आपको 25 प्लस आपको टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स बता दिया, और आप इसी स्मार्टफोन का पार्ट वन वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लेना, इसी स्मार्टफोन के आपको उस पार्ट वन में आपको 25 टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स बताया हूँ। आपको पार्ट वन देखकर अपने स्मार्टफोन को कूल औसम तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि फीचर ही आपको कुछ औसम बताया हूँ। तो जाना दोस्तों पार्ट वन को जरूर देख लेना, मिस मत करना, अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर साइड में पार्ट वन वीडियो।